देश में चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों के दम तोड़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में निजी और सरकारी सभी अस्पतालों में सिस्टम फेल होते नजर आ रहे हैं। इस महामारी के दौर में आज भी कर्म योद्धा पीछे नहीं। इसमें कोरोना वॉरियर्स के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अलवर में उतरी है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अलवर शहर की स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम। इससे जुड़े सरदार हरमीत सिंह ने बताया कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इसी संस्था द्वारा दिन रात लंगर की सेवा की गई थी और जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया गया था। अब कोरोना की इस लहर में भोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अलवर में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। यहां प्रशासन के सहयोग से यह जनसेवा शुरू की गई है। अपने मिलने वालों व उद्योगपतियों से खाली ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर इकट्ठे किए गए हैं। इन्हें प्रशासन के सहयोग से सिनर्जी स्टील प्लांट से भरवाकर निशुल्क जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 की प्रबंधक कमेटी ने विचार किया कि पूरे देश के अंदर जो कोरोना महामारी भयंकर विकराल रूप धारण कर चुकी है, पिछले वर्ष हमने यहाँ लंगर की सेवा की थी तो इस वर्ष लगा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो इस उपलक्ष्य में हमने एडीएम श्री रामचरण जी शर्मा जी से वार्तालाप की तो उन्होंने शहर से इसे इजाज़त दे दी। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ उनको, फिर उनके बाद सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन जी के HR जो हैं उनसे वार्तालाप की तो उन्होंने भी शहर स्वीकार किया। जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से यह ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में आम जन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और यह ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो हम सहयोग कर पाएंगे आम जन के लिए, उनकी सेवा में हम जो काम आ पाएंगे। और मैं सभी देशवासियों से, सभी अलवर की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और अनावश्यक रूप में बाज़ारों में ना घूमें और घरों में रहें। अपने आस पड़ोस सबको यह संदेश दें और किसी को भी अगर कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो 24 घंटे यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे और कोई भी आकर यहाँ ये सेवा ले सकता है। काफ़ी सिलेंडर हैं और सिलेंडरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो पर्याप्त हैं क्योंकि हॉस्पिटलों में काफ़ी ऑक्सीजन हैं। ये आमजन जो आइसोलेशन में घर में हैं उनके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि अलवर की जनता के लिए ये काफ़ी मात्रा में है, औरों की हम व्यवस्था भी कर रहे हैं।